आपने कहा दुर्गा के मिट्टी में वैश्या के घर से मिट्टी मिलाई जाती है, इसलिए ये सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मायना है? क्या खत्म हो गया? वैश्यावृत्ति खत्म हो गई? गरीबी खत्म हो गई? आप क्यों आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? अगर दुर्गा भी यही सोचती ना महिषासुर को मारने से पहले, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, शुंभ निशुंभ भी तो आएंगे, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, रावण भी तो आएगा, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, वो कंस भी तो आएगा, तो छोड़ो ना, महिषासुर को मारती ही नहीं हूं, महिषासुर भैया मजे करो जाओ, मैं वो स्वर्ग वापस जा रही हूं। तो फिर क्या होता भैया? अगर मोदी जी कहते छोड़ो भैया ये बीएसएफ वाले आर्मी वाले कुछ मत करो, आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से पूरे विश्व में आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा, इससे अच्छा है जैसे मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी चुपचाप बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, आओ हम चुपचाप बैठते हैं, वो ठीक होता क्या? अकर्मण्यता ठीक होती क्या? कर्म कर रहा है एक व्यक्ति। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को लेकर बीच मैदान खड़ा किया, अर्जुन यही तो कह रहा था, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अर्जुन कितने बड़े शक्ति थे और वो यही कह रहे थे मैं क्यों लड़ूं, व्हाई शुड आई फाइट, व्हाई शुड आई किल ऑल दीज पीपल, व्हाट विल आई गेट आफ्टर किलिंग ऑल दीज पीपल, एक राज्य ही तो मिलेगा। कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया, कहा लड़, काम कर, कर्म कर, बैठ के यहां खाना खाने के लिए तू पैदा नहीं हुआ है, ये प्रधानमंत्री हमारे आए हैं बैठकर मनमोहन सिंह बनने नहीं आए हैं। स्टेटस को सबको पसंद है, सब लोग चाहते हैं स्थिति वैसी रहे, बदले नहीं। आतंकवादी आके मारे जा रहे थे, वो मारते रहे, हम केवल कड़ी निंदा करें। आतंकवादी आके 20 लोगों को मार दे और शाम को भारतीय लोग जो हैं, हमारे राजनेता जो हैं, वो निकलकर बोले हम कड़ी निंदा करते हैं, एक्शन होगा? लोगों ने कहा भैया एक्शन कब होगा, ये रोज रोज शाम को कड़ी निंदा कब तक करते रहोगे? तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसा एक्शन हुआ कि पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ, आतंकवादियों पे हमला हुआ। पाकिस्तान कहता था हम तो कुछ नहीं करते थे, हमारे कुछ नॉन स्टेट प्लेयर हैं, देयर आर सम नॉन स्टेट प्लेयर्स हु इन फैक्ट आर फ्लेयरिंग टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर, सो दिस गवर्नमेंट सेंड्स इट्स ट्रूप्स टू सी टू इट दैट दिस नॉन स्टेट प्लेयर्स, द नॉन स्टेट एक्टर्स, कोट एंड कोट द टेररिस्ट्स आर न्यूट्रलाइज्ड। वो तिल मिला के रह गया कि हमारे खुद के गेम में इंडिया हमें ही मार गया, ना तो निगलते बना पाकिस्तान से ना उगलते बना, और आप यहां प्रूफ मांग रहे हैं रोज रोज, कहां हुआ कहां हुआ? वो संजय निरुपम साहब जिस शहर से साइना जी आई हैं, उसी शहर में बैठ के संजय निरुपम सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाय पी पी के जहर उगल रहे थे कि प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ, धिक्कार है, अपनी आर्मी से प्रूफ मांग रहे हैं, किससे प्रूफ मांगते रहेंगे? और आपके हमारे प्रूफ मांगने से कुछ नहीं होता है साहब, जनता है, सब समझती है। ये दुर्गा की भूमि है, आपने साइना इंशी को कहा ना कि सर्जिकल स्ट्राइक मींस मैचिज्मो, इट मींस मेल डोमिनेशन, सो आप उस साइड क्रॉस करके आ जाइए। मैं बंगाल की भूमि में खड़ा हूं, मां दुर्गा की भूमि में खड़ा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक किसी ने किया महिषासुर के ऊपर तो मां दुर्गा ने किया है। खड़गिनी शूलिनी घोड़ा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूषुंड परिधायुधा सौम्य सौम्य तराशेष सौम्य भव्यति सुंदरी परा पराणं देवी त्वमेव परमेश्वरी। मेरी मां दुर्गा सौम्य है, शी लव्स पीस, शी डज नॉट हेट एनीवन, वो प्यार करती है। मगर अगर महिषासुर दुर्गा के सामने आ जाता है, वो महिषासुर जो आतंकवाद का रूप धारण किया हुआ है, वो महिषासुर जो भ्रष्टाचारी है, जो दुराचारी है, जो व्यभिचारी है, तो मां सर्जिकल स्ट्राइक करती है, मां छोड़ती नहीं है। ये मैचिज्मो नहीं है, ये साहस है, ये दुस्साहस नहीं है, ये कर्म है। और धिक्कार है उन लोगों को जो कर्म को और साहस को कहते हैं ये मैचिज्मो है। कृष्ण ने कहा खड़े होकर कर्म करो नहीं तो समाप्त हो जाओगे। ये देश कर्म के आधार पर है, और आज मैं धन्य हूं कि ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो कर्म कर रहा है। आपने अभी कहा सर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप एक बहुत बड़े परिवार से हैं, और मैं कहूं सर बंगाल की भूमि में खड़ा हूं, अगर अंग्रेजों पर किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत की तो वो आप ही के परिवार से थे। सुभाष चंद्र बोस में सल्यूट करता हूं सुभाष चंद्र बोस को। ये शब्द जो सर्जिकल स्ट्राइक आया, ये कहां से आया? जब टेरर कैंप के ऊपर
भारत के सिपाहियों ने, मैं और अपने साथी को करेक्ट कर दूं कि एलओसी को क्रॉस करके अटैक किया, अलोंग द एलओसी नहीं, आप डीजीएमओ के पूरे भाषण को सुनिए, उन्होंने कहा एलओसी को क्रॉस करके जब टेरर कैंप को न्यूट्रलाइज किया ऑल अलोंग द बॉर्डर बहुत बड़े पोर्शन में, तो डीजीएमओ ने कहा दिस वॉज सर्जिकल स्ट्राइक। क्यों कहा दिस वॉज सर्जिकल स्ट्राइक? बिकॉज आई एम अ सर्जन, आई एक्सप्लेन यू। जब ट्यूमर होता है तो जो सर्जन होता है वो वहीं ऑपरेशन करता है जहां ट्यूमर है, और केवल ट्यूमर को निकालता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट अ शेड ऑफ ब्लड और टिश्यू अदर देन व्हाट द ट्यूमर नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड। एक कतरा खून अधिक नहीं बहना चाहिए और एक कतरा टिश्यू खर्च नहीं होना चाहिए। दैट इज द प्रेसिशन ऑफ अटैक एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई द कंट्रीज मिलिट्री कॉल दिस अटैक ए सर्जिकल स्ट्राइक। यहां से यह शब्द की उत्पत्ति हुई। कन्हैया जी, ससम्मान में कहना चाहूंगा, आपने कहा गरीबी से आतंकवाद है, मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है। ओसामा बिन लादेन वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, रिमेंबर, ही वॉज नॉट अ पुअर मैन, एंड लेट अस नॉट फाइंड एन एक्सक्यूज फॉर नेक्सलिज्म और टेररिज्म। देर इज नो एक्सक्यूज, आतंकवाद के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। इसलिए कोई भी यह ना सोचे कि गरीबी के कारण आतंकवाद होता है। बहुत गरीब लोग हैं, मेरे राज्य उड़ीसा में गरीब है, आपके राज्य बंगाल में गरीब लोग हैं, कितने लोग आतंकवादी बन जाते हैं गरीबी के कारण। सो प्लीज लेट अस नॉट जस्टिफाई टेररिज्म बाय सेइंग दैट इट हैज एन एक्सक्यूज। दूसरी बात, बाबा जी को आपने इंटरनेशनल व्यापारी कहा, मैं तो बहुत खुश हूं। हमें धन्य मानना चाहिए कि एक गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति, चारपाई पे बैठने वाला व्यक्ति, भगवा पहन के नंगा शरीर रहने वाला ये फकीर अगर इंटरनेशनल व्यापारी बन जाता है तो क्या परेशानी है हमें? हमें तो खुश होना चाहिए। आप तो गरीबों की बात कर रहे थे, ये गरीबी तो है। एक गरीब अगर उससे रिलीज हो जाता है, एस्केप वेलोसिटी याद है जुपिटर वाला, आपके साथी राहुल गांधी ने कहा था, अगर एक गरीब अपनी मेहनत के कारण एस्केप वेलोसिटी जुपिटर से जाके आगे निकल जाता है और व्यापारी बन जाता है तो इतनी जलन क्यों होती है हम लोगों को? हम बोलते हैं गरीबी हटाओ। एक गरीब अगर अमीर बन जाता है तो ये अमीर क्यों बन गया भैया? ये तो बड़ा बदमाश है। आप और हम चाहते हैं कि सारे गरीब गरीब ही रहें, और जीवन भर हम नेता लोग कहते रहे ये गरीब है हमें वोट दो हम हटाएंगे। अगर यही गरीब अमीर बन जाए तो ये बाबा अमीर क्यों बन गया भैया? ये नहीं चलने वाला है। अगर गरीबी हटाना है तो बाबा को अमीर ही बनना पड़ेगा, तभी तो बाबा अमीर, गरीबी से अमीरी की रास्ता चलेंगे। डीमोनेटाइजेशन को लेकर खुद प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, इसको गहराई से लेने की आवश्यकता है, इसको सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत वर्षों तक भारत में यह खेल चलता रहा है। मैं जब मेडिकल छात्र था, चाय की टपली पे चाय पीते थे बैठ के हम सारे छात्र, तो यही डिस्कस करते थे पढ़ाई खत्म करने के पश्चात, चलो सिंगापुर चलते हैं, चलो अमेरिका चलते हैं, लेट्स लीव दिस कंट्री बिकॉज लुक एट देयर इकोनॉमी। लोग कहते थे ये भारत कब सिंगापुर बनेगा? अरे मुट्ठी भर का सिंगापुर, भारत कब सिंगापुर बनेगा? भारत कब अमेरिका बनेगा? खाली भाषण देने से बन जाएगा क्या? बैठ के चाय पी के भारत कब अमेरिका बनेगा, भारत कब सिंगापुर बनेगा, बनने के लिए कुछ किया तो क्यों किया, कैसे बनेगा? केवल हम भाषण दें और कुछ करें नहीं तो बन जाएंगे क्या? बड़ी बात आप देखिए, रोज शाम को हमारे विपक्षी पूछते थे काले धन के लिए क्या किया, क्या किया काले धन के लिए, 15 लाख कब आएंगे? जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हो गया, क्यों किया? अरे रोज शाम को पूछते थे क्या किया, जब कर दिया क्यों किया? ओनली लिप सर्विस इज नथिंग एल्स एंड दिस इज व्हाट द कंट्री रियली नीड्स टू कम आउट ऑफ। Lip services, we all want our country to be great. The country cannot be great until and unless the malaise which affects the country is removed in the most effective manner. Only 1% of people in this country, 127 crore people, only 1%, 27 lakh people have declared that their income is above 10 lakh rupees. And how do you expect this country to have all the infrastructure that we want for our poor people? How would we have that? Until and unless honesty is given a premium and dishonest are allowed to mend their ways, I would not say punish. यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक आपने collateral damage से जोड़ा, प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा बड़ा दिल दिखाते हुए कि देखिए
हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, सबको बदलने का मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में मौका नहीं देते हैं, आतंकवादियों को मौका नहीं मिलता है, मगर आपने अगर टैक्स नहीं दिया, हाथ जोड़ के कहा यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है आपके ऊपर, यह बदलने का मौका है, आइए हम मिलकर बदलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। दैट इज व्हाई डीमोनेटाइजेशन इज नॉट अ सर्जिकल स्ट्राइक, इट वॉज अ न्यू नॉर्मल एज मिस्टर जेटली सेड। व्हाट वॉज द ओल्ड नॉर्मल? आई लैंडेड, व्हाट वॉज द ओल्ड नॉर्मल? पहले हम जमीन खरीदते थे, दिल्ली और मुंबई की बात बता रहा हूं, जमीन खरीदना होता था तो एक चेक 20 लाख रुपए का हाथ में होता था और एक झोले में पत्नी 80 लाख रुपए भर के देती थी। हर कोई प्रधानमंत्री से लेके मुख्य सचिव से लेके बच्चा बच्चा, एवरीवन न्यू दिस ट्रुथ। नो वन हैड द करेज टू एक्ट अगेंस्ट दिस। हियर इज अ प्राइम मिनिस्टर हु डेयर टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस। डिड यू नीड अ प्राइम मिनिस्टर who would maintain status quo, knowing everything, closing his eyes to everything? Or did you need a prime minister whom you elected with this mandate, who would change the system for a better system? And before I end, since I began with Durga, remember, I, as a person, get up at 4:30 in the morning in Mahalaya and hear Biro Kishore Bhadra. Remember, this land is no ordinary land. Ye Durga ki bhumi hai. Jago, tumi jago. इतना कहकर समाप्त करूंगा कि आज अगर जागने की आवश्यकता है, डेरेक ओब्रायन साहब ने कल एक ट्वीट किया है, टैक्स कलेक्शन अप बाई 103%, प्लान एक्सपेंडिचर अप बाई 212%, जीएसडीपी अप बाई 123%, कैप एक्सपेंडिचर ऑफ बंगाल अप बाई 616%, बंगाल ग्रोइंग एट 1.5 times फास्टर देन इंडिया। सो व्हाई वर यू ऑन द स्ट्रीट सेइंग दैट डीमोनेटाइजेशन इज डिस्ट्रक्टिव? यू कोट ऑल दिस, it only proves that demonetization has done all this to Bengal. And thank you, Bengal, for acknowledging that the process we brought in has helped you. With all due respect to Manmohan Singh, yes, he is a respected personality. He was a former Prime Minister of the country. Aap keh rahe the, sir, unhone PT kiya. RBI ke governor ke upar kripa drishti dikhai, daya dikhaya. Unhone to Raja ji ke upar bhi daya dikhaya tha, jab wo kol kha rahe the. जीजा जी के ऊपर भी दया दिखाया था जब वो पैसा मार रहे थे। तमाम स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखाया था। जो व्यक्ति सारे स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखा रहा था तो स्वाभाविक रूप से वो दयालु तो है ही, उनका चरित्र ही में ही दया है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह के अंत करना चाहता हूं, ये बंगाल की भूमि है, आज बंगाल की भूमि में खड़ा हूं। दुर्गा जब प्रकट हुई थी, मैं अंत कर दूंगा एक मिनट में ही, दुर्गा जब प्रकट हुई थी आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जब एकदम मूर्त रूप धारण किया था दश प्रहरण धारिणी बनके, उन्होंने कहा था अहं दुर्गी अहं राष्ट्री, अहं दुर्गी अहं राष्ट्री, मैं दुर्गा हूं मैं राष्ट्र हूं। राष्ट्र क्यों कहा? क्योंकि मैंने शिव से त्रिशूल लिया है, डमरू लिया है, मैंने चांद से चर्म लिया है, मैंने विष्णु से चक्र लिया है, मैंने ब्रह्मा से वेद लिया है, मैंने कुबेर से धन लिया है, इन सब से सब कुछ लेने के बाद मेरा अस्तित्व दुर्गा का बना है। प्रधानमंत्री तब प्रधानमंत्री बन पाएंगे जब आप सब लोग थोड़ा 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 उनको देंगे। कोई प्यार दे, कोई ऑनेस्टी दे, कोई शक्ति दे, कोई आशीर्वाद दे, अगर आप सब कुछ अपना थोड़ा थोड़ा देंगे तब जाके वो एक ऐसी शक्ति बनेगा जो भारत को आगे बढ़ा सकता है। मैं बंगाल की जनता के चरणों में यही करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।